हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाने चल रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन में मैं आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बताएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में हम आपको बताएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पहले हमें जाने ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में कहते हैं रूपांतरण, अर्थात एक सेंटेंस के एक वाक्य के रूप को, एक सेंटेंस को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर देना कि उसकी मीनिंग न बदले, इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर? दैट जैसे मान लीजिए ही इज फुलिश, हमें इसे निगेटिव में बदलना है, हमें इसे निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है, तो हम कहेंगे ही इज नॉट, ही इज नॉट इंटेलिजेंट। बदल गया, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। ट्रांसफॉर्म किया गया, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। नॉट इंटेलिजेंट, नॉट इंटेलिजेंट मतलब फुलिश, कोई परिवर्तन नहीं है। यही आपका है ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ रूप बदलते हैं, सिर्फ फॉर्म बदलते हैं, मीनिंग नहीं बदलती है। तो इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बताएंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव को पैसिव में कैसे बदला जाए, मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहूंगा कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल देखते हैं। ही कॉल्ड मी, पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो आई वॉज कॉल्ड बाई हिम। अब हम आपको समझाते हैं एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। जिस वाक्य में वर्ब द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, ऐसे वाक्य को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ये सब्जेक्ट है, ही कॉल्ड मी, वह मुझको बुलाया, यानी जो कार्य है यहां पर सब्जेक्ट कर रहा है, इसलिए यह एक्टिव वॉइस हो गया। मैंने इसी को पैसिव वॉइस में बदल दिया, आई वॉज कॉल्ड बाई हिम, मुझे उसके द्वारा बुलाया गया, यानी यहां पर जो कार्य है वह यह कर रहा है। यानी जिस वाक्य में वर्ब द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, ऐसे वाक्यों को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा कि पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। पैसिव वॉइस की यह विशेषता होती है कि उसमें हमेशा और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और सामान्यतया बाई का प्रयोग होता है। कुछ और भी प्रीपोजिशन प्रयोग होते हैं, हम इसे आपको बताएंगे। क्लियर? तो एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या रूल्स हैं, मैं आपको यह बताऊंगा। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को
पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और बाई का प्रयोग करते हैं। यही है एक्टिव को पैसिव में बदलने के नियम। बस जैसे आपको फिर से समझा देते हैं, ही रोट अ लेटर। देखिए हमने कहा है पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इस सब्जेक्ट को ले जाकर यहां पर सब्जेक्ट बना देंगे, तो अ लेटर पास्ट इन्फिनिटिव टेंस में है तो वॉज हो जाएगा। थर्ड फॉर्म रिटेन बाई, यहां आकर के जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय हिम। फिर इसके बाद वो आपका थर्ड फॉर्म। यह है पैसिव वॉइस में बदलने के तरीके। क्लियर? इसमें कुछ रूल्स होते हैं, सर्वप्रथम मैं आपको बताने चल रहा हूं। हमें सर्वप्रथम यह बताना है कि जो प्रोनाउंस होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस को जान लीजिए, उसके बाद जो है वर्ब संबंधी कुछ परिवर्तन हम आपको बताएंगे, फिर आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। तो सर्वप्रथम हम प्रोनाउंस के नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस जान लेते हैं। देखिए नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है इसे हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं। हम चाहते हैं कि जब हम आपको एक्सरसाइज दें तो हमें यह न लगे कि मैंने आपको यह नहीं बताया, यह नहीं बताया, यह नहीं बताया। क्लियर? तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू रहेगा, ही का हिम, सी का हर और इट का इट, दे का देम। यह आपका ऑब्जेक्टिव केस है, यह याद रहना चाहिए, नहीं तो फिर जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो फिर दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। यह है आपका। इसके बाद हम आपको यह बताना चाहते हैं कि किन किन टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है। आप जानते हैं टेंस 12 होते हैं लेकिन पैसिव वॉइस सिर्फ 8 का ही बनता है, 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसके बाद आपको यह जानना है कि किस प्रकार के सेंटेंस में किस प्रकार का हेल्पिंग मो लगेगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो उसमें इज आर एम लगा देंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, जब उसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इज आर एम और बीइंग लगा देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो जब पैसिव वॉइस में बदलते समय हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसी तरह पास्ट इन्फिनिटिव को जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वाज वर लगा देंगे। पास्ट कंटिन्यूअस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वाज वर के साथ बीइंग लगा देंगे, और पास्ट परफेक्ट को जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हैड बीन लगा देंगे। क्लियर? इस तरह से जो है हम चेंज करते हैं। इस तरह से मेरा प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया,
अब हम फ्यूचर में चलते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस को जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो शैल बी विल बी का प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जब पैसिव वॉइस हम बदलते हैं तो शैल हैव बीन विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, जबकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इस तरह से सिर्फ और सिर्फ 8 टेंसेस का ही पैसिव वॉइस बनता है। तो मैं सर्वप्रथम आपको जिन वाक्यों का पैसिव वॉइस बनता है उनका हेल्पिंग वर्ब बताना चाहते हैं, ताकि आगे जब हम आपको पैसिव वॉइस बताएं तो कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इसे देखिए, इसे समझ लेंगे, नोट कर लेंगे। देखते हैं, चार्ट बनाते हैं। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब एक्टिव वॉइस होता है तो उसे हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग होता है, और जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इस आर एम के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। इसी तरह प्रेजेंट कंटीन्यूअस को जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम इस आर एम का प्रयोग करते हैं, जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इस आर एम के साथ बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी तरह से जो है प्रेजेंट परफेक्ट को हैज हैव, और जब पैसिव वॉइस में बदल देते हैं तो इसमें हैज बीन हैव बीन का प्रयोग कर देते हैं। चौथा आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज फोर्थ नंबर है, नो चेंज। इस तरह से नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं या डिड लगाते हैं, लेकिन जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसमें वाज वर्ब का प्रयोग कर देंगे। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर्ब, जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वाज वर बीइंग का प्रयोग कर देंगे। ये हुआ, ये पास्ट कंटिन्यूअस तक हुआ, 12 है, 6 हुआ, नेक्स्ट बताने चल रहे हैं। लेकिन आप इसे समझ लीजिए, आप ऐसे याद रखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग करते हैं। या तो आप ऐसे याद रखिए, या आप ऐसे याद रखिए कि जब आप एक्टिव वॉइस में डू डज देखते हैं तो पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इज आर एम का प्रयोग कर देंगे। या तो आप ऐसे देखिए, या ऐसे देखिए कि यदि एक्टिव वॉइस में इज आर एम का प्रयोग है तो पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इज आर एम
के साथ बींग लगा देंगे। ऐसे ही हैज हैव है तो पैसिव वैसे बदलेंगे तो इसमें बीन जोड़ देंगे, यानी हैज बीन हैव बीन का प्रयोग हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज, इसका पैसिव वैस नहीं बनता है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वो आपका सेकंड फॉर्म होता है या डिड का प्रयोग होता है। तो जब पैसिव वैसे बदलेंगे तो वास वर लगा देंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखिए, इसमें वाज वर का प्रयोग होता है, पैसिव वैसे बदलता है तो वाज वर और बींग लग जाता है। क्लियर। अब हम चल रहे हैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बताने। पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में हेड का प्रयोग होता है, और जब पैसिव में बदलेंगे तो हैड बीन का प्रयोग हो जाएगा। ऐसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज होता है, नो चेंज। उसके बाद है नाइन्थ फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल का प्रयोग होता है, और जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे शैल बी विल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सभी पैसिव वॉइस में लगता है। टेंथ है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में नो चेंज, इलेवेंथ है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगता है, शैल हैव विल हैव। और जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं शैल हैव बीन विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बारहवा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज। इस तरह से जो है बारहवें सेंटेंस का हमने बता दिया। इसमें सिर्फ आठ के ही पैसिव वॉइस बनेंगे, शेष के पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। इसके बाद जो है हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने चल रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल देते हैं, इसे देखिए। यहाँ तक तो क्लियर है, हेड है तो हेड भी बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट को जब पैसिव वॉइस बदलते हैं तो शैल बी विल बी का प्रयोग कर देंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नो चेंज, फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव विल हैव का प्रयोग होता है, शैल हैव बीन विल हैव बीन लग जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से नो चेंज। इस तरह से टेंस को बदलने के नियम रहे। अब हम आपको जो है
एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझाते हैं। देखिए, ही राइट्स एन एसे एवरी डे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। सी कॉल्ड हर फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। ही विल प्लक द फ्लावर। चलिए, ये चार सेंटेंस दे दिया हमने, आर्ट का ही पैसिव वॉइस बनता है, चार सेंटेंस हमने दे दिया। अब इसे समझिए, रूल्स वही हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वर्ब है ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट यहाँ करके सब्जेक्ट बन जाएगा तो बनेगा एन एसे। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लगा देंगे, सिंगुलर में है तो यहां पर इज हो जाएगा एन एस से इज रिटन बाय हिम एवरी डे बन जाएगा। आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, वर्ब है ऑब्जेक्ट है, इधर आके सब्जेक्ट बन जाएगा माई वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाई आई का ऑब्जेक्ट केस मैंने बताया है हिम हो जाएगा। अब आपको प्रॉब्लम हो रही होगी कि हेल्पिंग वर्ब तो खैर उसी टेंस में है लेकिन जो है वह बदल जा रहा है कभी कभी, जैसे यहाँ हैव लगा हुआ तो यहाँ पर हैज हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ आई था तो हैव लग गया था, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो गया तो हैज बिन लग जाएगा, लेकिन उसी टेंस का रहेगा, इस बात को ध्यान रखना है। फिर देखते हैं, सी कॉल्ड हर फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स वर कॉल्ड बाई सी का हर बन जाएगा आपका। ही विल प्लक द फ्लावर्स, द फ्लावर विल बी प्लक्ड बाय हिम। इस तरह से जो है यह पैसिव वॉइस बन गया। देखिए, कहीं कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो है हम आपको आगे नेक्स्ट रूल बताने चल रहे हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल यह है कि प्रायः वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का भी प्रयोग होता है, अर्थात कभी कभी सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब का प्रयोग होता है। इस कंडीशन में जो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन है उसे भी साथ में ही रहने देते हैं, उसको इधर उधर डिस्टर्ब नहीं करते हैं, नहीं तो मीनिंग बदल जाती है।
क्लियर। जैसे देखिए, देखिए दे लॉफ्ड एट हर, माई मदर ब्रॉट अप हिम। I am waiting for my friends. देखिए ये जो है फ्रीजल वर्ब है, इनके साथ प्रीपोजिशन लगा हुआ है और जब हम इन्हें पैसिव आयस में बदलेंगे तो प्रीपोजिशन को वर्ब के साथ में ही रहने देंगे। क्लियर। जैसे देखिए दे लव्ड एट हिम, यह आपका हिम है तो हिम का यहां ही हो जाएगा। ही टेंस देखेंगे, यह पास्ट इनफिनिटिव टेंस में है तो ही वॉज लव्ड एट, He was loved at by them। मैंने क्या loved at यहां पर भी साथ में था और यहां पर भी साथ में है। इसको देखते हैं, him है तो he हो जाएगा। He was brought up, he was brought up by my mother। हो गया। इसको देखते हैं, माय फ्रेंड्स माय फ्रेंड्स आर बीइंग वेटिंग My friends are being waited for, waited for by me। देखिए waited for जो है ये साथ में ही प्रयोग किया गया है। यहाँ brought up जो है साथ में ही प्रयोग किया गया है, loved at साथ में ही प्रयोग किया गया है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, यदि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है या यदि वाक्य में प्रीपोजिशनल वर्ब का प्रयोग होता है तो उस प्रीपोजिशनल वर्ब को हमेशा और हमेशा साथ में ही रहने देते हैं, साथ में ही उसे लिखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टूल बताने चल रहे हैं। नेक्स्ट टूल यह है कि कभी कभी एक्टिव आयस में डबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो जाता है, उस कंडीशन में क्या करेंगे देख लीजिए। डबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो तब क्या होगा देख लीजिए। जब वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे और जो अदर ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में ही रहने देंगे। लेकिन आप लोगों को सलाह दिया जाता है कि यदि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है,
गलती होने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं, इसलिए आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाने का प्रयास करिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई सजीव होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई निर्जीव होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम दिया। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट यह है और एक ऑब्जेक्ट यह है। अब आपको इसे पैसिव वॉइस में बदलना है तो हमने बताया है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो लिविंग है, उसे आप सब्जेक्ट बनाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आप चाहें तो इनडायरेक्ट को भी आप सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करके पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। जैसे आई वॉज गिवन, आई वॉज गिवन अ पेन बाई हिम, या दूसरे तरीके से देख लेते हैं, इसको सब्जेक्ट बना देते हैं, अ पेन वॉज गिवन मी बाय हिम। दोनों में से कोई भी बन जाएगा, क्लियर। हम जो है कुछ और एग्जांपल देते हैं। माई फादर गेव मी अ बुक, देखिए इसमें भी दो ऑब्जेक्ट हैं, यह है यह है, तो बनाते हैं। आई वॉज गिवन अ बुक By my father. फिर बदल जाएगा, इससे भी बन जाएगा, A book was given me. A book was given me by my father. इस तरह से ए पैसिव वॉइस बन गया। तो व्यक्ति को पैसिव में बदलने के एक कुछ रूल्स रहे, जितना भी रूल्स मैंने बताया है इसी रूल्स पर आधारित है। मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, इस एक्सरसाइज को करिएगा, फिर नेक्स्ट डे पूछिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो बेधड़क बेहिचक आप उसका जवाब ज़रूर पूछेंगे। थैंक्स।